तो दोस्तों, एपिसोड 107 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब ब्लैक मैजिक कोन के लीडर की बेटी आगे बढ़ रही होती है। ब्लैक मैजिक का डिसेबल फौरन से उस लड़की को रोक लेता है, जिसे देखकर वो लड़की उससे कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहती हुई वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वो लड़का फौरन से उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है और उससे कहता है, यह मून मास्टर का ऑर्डर है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहें। यह सुनते ही लड़की तुरंत अपने हाथों को उससे छुड़वा लेती है और उसे कहती है, बस बहुत हो गया, कब से तुम मिस्टर मून लगाए हुए हो, क्या तुम्हें सिर्फ यही पता है, और वैसे भी मेरे डैड यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ और जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। यह कहती हुई लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चूहा अपने मास्टर के पास अपने सारे डिश ला के रख देता है, जो कि वही लड़की होती है जो कि स्टेज के ऊपर बैठ के इस कॉम्पिटिशन को देख रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की खाना खाते हुए काफी ज्यादा फूड इंजॉय कर रही होती है। मगर अब इसी के साथ दूसरी लड़की भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि बड़ी खामोशी के साथ उसको देख रही होती है। इधर इसी के साथ डिश खाने वाली लड़की डिशेस खा के कहती है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। मगर अब इसी के साथ वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें देख के ब्लैक मैजिक की लड़की फौरन से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो दूसरी लड़की के बारे में बता देती है, जिसके बाद दोनों सोल्जर फौरन से उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं। मगर वो लड़की भी बहुत ज्यादा तेज होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की फौरन से टैन वाले के वहाँ पर छुप जाती है, जिसके बाद वह टैन से कहती है, बस तुम्हें हिलना नहीं है, हम लोग बच जाएंगे। मगर इतने में वह सोल्जर उससे कहते हैं, वहाँ पे कौन छुपा है, बाहर आओ। ये सुनते ही लड़की फौरन से बाहर आ जाती है। अब उस लड़की को देख के वह सोल्जर उससे कहते हैं, मिस नूना, आपको मास्टर ढूंढ रहे हैं, आप हमारे साथ चले। यह सुनते हुए लड़की फौरन से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों सोल्जर्स को वहाँ से भेज देती है। ये देख के ब्लैक मैजिक की लड़की सामने आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सारे फूड को खुद ही चुराया और अब अकेले बैठ के खा रही हो, तुम तो एक चोर हो। ये सुनते ही नूना वापस से खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, क्या मतलब, तुम मुझे चोर कैसे कह सकती हो, मैं तो बस खाना छुपा के खा रही हूँ, क्योंकि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और वैसे भी ये खाना क्या तुम्हारा है, अगर तुम्हारा है तो मैं अपने फादर से कहकर तुम्हें मुआवजा करवा दूंगी। ये सुनते ही ब्लैक मैजिक की लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वह उससे कहती है, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहती हुई लड़की फौरन से वो अपने मैजिक मैट्रिक्स को बाहर निकाल लेती है। अब जैसे ही नूना उस मैजिक को देखती है तो वो फौरन समझ जाती है कि ये तो एक ब्लैक मैजिक है, जिसके बाद वो उसे कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे साथ पहले भी फाइट करने की कोशिश की थी। ये कहती हुई नूना फौरन से उसके ऊपर भी मैजिक का इस्तेमाल करती है, मगर अब नूना का मैजिक उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता। ये देख के ब्लैक मैजिक की लड़की कहती है, लगता है कि तुम इतनी पावरफुल नहीं हो जितनी मैं हूँ। जैसे ही नूना ये बात सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नूना फौरन से अपने बहुत बड़े फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है, जिसमें से एक बहुत बड़ी गाय बाहर आती है और वो फौरन से उस ब्लैक मैजिक की लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर अब वो लड़की फौरन से उन सारे अटैक हो वहीं पे डॉज करना शुरू कर देती है और अब वो लड़की वापस से खड़ी होती है और उससे कहती है, अच्छा तो तुम एक विजिट हो। ये सुनते ही नूना उससे कहती है, हाँ, अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया है तो अब तुम डर के भागना नहीं। जिसके बाद नूना वापस अपने फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है, जिसमें से बहुत सारे एनिमल्स बाहर आ जाते हैं। ये देख के ब्लैक मैजिक की लड़की उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एनिमल्स है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब ये सुनते हैं नूना फौरन से टैन को भेजती है कि जाओ उसके ऊपर हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन आगे बढ़ता हुआ फौरन से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर तभी इसी के साथ वो लड़की भी फौरन से अपने पेट को बाहर निकाल लेती है, जो कि ब्लैक मैजिक से बने होते हैं। मगर अब टैन जैसे ही उनका मुकाबला करता है तो टैन उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और टैन काफी दूर जाकर गिरता है। अब ये देख के नूना काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो गुवान से कहती है, जाओ उसका मुकाबला करो। मगर अब गुवान टैन के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो आगे बढ़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर तभी पास खड़ा लड़का फौरन से उस लड़की की मदद कर लेता है। उसके बाद उन्हें काफी सारे सोल्जर की भी आवाजें आ रही होती है, जो कि नूना को ढूंढ रहे होते हैं। मगर अब इसी के साथ वो लड़का फौरन से मून मास्टर की बेटी से कहता है, क्या आपने देखा यहाँ पे कितना शोर हो चुका है, अब यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स भी आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। अब ये सुनते ही लड़की उससे कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको हराए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
अब जैसे ही नूना ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि लगता है कि तुम डर के यहाँ से भाग रही हो, अगर हिम्मत है तो भागो मत, मेरा मुकाबला करो। मगर अब इतने में वो लड़का ब्लैक मैजिक की लड़की से कहता है, आपको तो पता है हमारा मेन टॉस जो है वो है ब्लेड ऑफ डबल डोबरल को ढूंढना, और अगर आप यहाँ पे इस तरह की हरकतें करेंगी तो हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा, इसलिए बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह कहते हुए लड़का उसको लेके वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते वक्त वो लड़की उससे कहती है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ मगर अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सारे सोल्जर मास्टर्स को ये बात बताते हैं कि अभी तक नूना हमें नहीं मिली है। ये सुनते ही मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो सारे सोल्जर से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम लोगों से नूना को नहीं ढूंढा जाता? अगर तुम लोग उसको नहीं ढूंढ सकते हैं तो मेरी नजरों के सामने मत आना, और हाँ जल्दी से वापस जाओ अपने साथ और बंदों को लगाओ ताकि तुम लोग नूना को जल्दी से ढूंढ पाओ। अब ये सुनते ही सारे सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उस मास्टर का पैड भी वहाँ पे आ जाता है। तो वो मास्टर उससे कहता है, तुम भी यहाँ से जाओ, जाकर ढूंढो, और हाँ एक बात याद रखना, तुम ना कोई भी कोना नहीं छोड़ना। ये सुनते ही वो पैड भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम वापस से ब्लैक मैजिक के पिंक शॉर को देखते हैं, जो कि अपनी मास्टर की बेटी से कहता है, मेरे ख्याल से वो लड़की बहुत ही खास है क्योंकि उसे बहुत सारे सोल्जर्स ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी वो एक लड़की विजर्ड है जो कि अपनी सम्यक मैजिक का इस्तेमाल करती है, और अगर हम वहाँ पे रुकते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ा मसला हो सकता था क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे ब्लेड ऑफ डबल डोबरल को ढूंढने के लिए आए हैं, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनते ही लड़की उससे कहती है, चाहे जो मर्जी हो जाए वो लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये सुनते ही वो किंग शोर उसे कहता है, मेरे ख्याल से वो बुलेट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइजर तिरिक्सार से कहता है, आज मोमो के स्नोफॉल इन पीरियड हैंड को देख के मैं तो काफी ज्यादा हैरान रह गया। यह सुनते ही तिरिक्सार उससे कहता है, मोमो एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है, और उसने बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरे सारे स्किल्स को मास्टर कर लिया है। फिलहाल यहाँ पे एक शख्स भी है जो कि इस साल इस कंपटीशन में मुकाबला करेगा। ये सुनते ही वो मास्टर उससे कहता है, क्या किसी ने आज से पहले कर्नल डीमन शर्क के बारे में नहीं सुना? क्या आपको पूरा यकीन है कि वो इस बार यहाँ भी आएगा? ये सुनते ही तिरिक्सार उससे कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है, मगर मुझे फिलहाल इस बात की चिंता है कि पता नहीं इस बार साजिश का मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास काफी अच्छे हुनर है जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ जीत भी सकता है, मगर फिलहाल एक लड़का और है जो मेरे ख्याल से इस कॉम्पिटिशन को जीत सकता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे नयन मन बाजार में घूम रहा होता है। इतने में उसके सामने तिरिक्सार शेप आते हैं। अब जैसे ही नयन मन तिरिक्सार शेप को देखता है तो वो उन्हें ग्रीटिंग करता है। ये देख के तिरिक्सार शेप उसे कहते हैं, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, चलो मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब यह सुनते ही नयन मन उनसे कहता है, मेरा नाम नयन मन है। अब जैसे ही तिरिक्सार शेप उसका नाम सुनता है तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कंपटीशन क्यों रखा गया है और इसको रखने का मकसद क्या है? जिसके बाद नयन मन उनसे कहता है, नहीं मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते हुए तिरिक्सार शेप उससे कहता है, ये बहुत पुरानी बात है, ये आज से ठीक 1000 साल पहले की बात है, जहां तालू सिटी के अंदर एक बार हुआ था जिसमें डार्क मार्शल इंपीरियल सारे डार्क फोर्स को लीड कर रहा था और होली मास्टर सारे ह्यूमंस को लीड कर रहे थे, और यह बहुत बड़ी बार थी, इसमें बहुत से लोगों की जान गई और आखिरकार सारे डार्क फोर्स हार गई, जिसके बाद मास्टर ने और बाकी के दो गार्ड ने मिलके डार्क मार्शल इंपीरियल को सील कर दिया, और जबकि बार खत्म हो गई तो उसके बाद 3 दिन तक सेलिब्रेट किया गया जहां पे सारे खाते पीते रहे और एंजॉय करते रहे, जिसके बाद हर साल इस दिन को मनाया जाता है और सारे इस दिन को काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं, और ये कॉम्पिटिशन भी इस दिन का हिस्सा बन गया है। नयनमग पूरी स्टोरी सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर अब इसी के साथ दोनों का खाना भी आ जाता है, और खाने को देख के तिरिक्सार शेप उससे कहता है, अगर खाना अच्छा होता है तो इसे लोग खाके काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आती है। मगर अब नयन मन जैसे ही ये सुनता है कि इस जगह पे डार्क एम पीरियड को कैद किया गया है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, मगर अब बेसिकली तिरिक्सार शेप उससे कहते हैं, नयन मन तुम्हारी नाइफ स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये किससे सीखा है? अब जैसे ही नयन मन ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है,
जिसके बाद तिरिक्सर्षे नयन मन से कहता है, तुम्हारी स्किल्स को देख के मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई, क्योंकि उसके पास भी ऐसी ही नई पोर स्किल्स मौजूद थी। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर मैं अपने दोस्त को काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मुझे अब तक नहीं मिला। अब ये सुनते ही नयन मन सोचने लगता है कि मास्टर तो चाहते थे कि उनके बारे में किसी को भी पता न चले, इसलिए शायद मुझे इनको भी नहीं बताना चाहिए। मगर नयन मन उनसे कहता है, तिरिक्सर्षे मैंने तो ये खुद ही स्किल सीखे है, मुझे किसी ने भी नहीं सिखाए। ये सुनते ही तिरिक्सर शेप हंसने लग जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है नयन मन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारी इस मास्टर को जानता हूँ। यह सुनते ही नयन मन उनसे कहता है, ठीक है अगर आप मेरे मास्टर को जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डीमन शेरजाजी का डिसेबल हूँ। जैसे ही तिरिक्सर शेप ये नाम सुनता है तो वो फौरन से हंसना शुरू कर देता है और नयन मन से कहता है, मुझे पता था, चलो अब मुझे बताओ कि वो कमीना कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसे काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते हुए नयन मन उनसे कहता है कि अब मास्टर नहीं रहे। अब जैसे ही तिरिक्सर शेप ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ये देखे के नयन मन फौरन से तिरिक्सर शेप को पकड़ लेता है। इसके बाद स्पिरिट साहब नयन मन से कहता है, नयन मन हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर से बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ये सुनते ही नयन मन उनसे कहता है, ठीक है तिरिक्सर शेप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं ऐसे इंसान से मिलना चाहता था जो कि मेरे मास्टर का बहुत ही अच्छा दोस्त है और जो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये सुनने के बाद तिरिक्सर शेप नयन मन से कहता है, बस मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जब वो लेबल मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन को उस साल जीत गया था तो उस साल कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद उसने अगली बार किसी भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? यह सुनते हुए नयन मन उनसे कहता है, जी तिरिक्सर शेप, फिलहाल आपको पूरी स्टोरी के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे मास्टर जी के बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस साल में इस कॉम्पिटिशन में आऊंगा और हिस्सा लूंगा और इन सबको दिखा दूंगा कि मैं अपने मास्टर का डिसेबल हूँ, इसके बाद उनका नाम कभी भी बदनाम नहीं होगा। यह सुनते ही तिरिक्सर शेप काफी ज्यादा खुश होता है और ताली बजाते हुए वह उसे कहता है, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्किल भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉम्पिटिशन को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। अब जैसे ही नयन मन ये सुनता है तो वो उनसे कहता है, आप बेफिक्र रहे, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा, मगर अब इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हमें पिनशोर नजर आता है और उसके हाथ में एक मैजिक स्लोल होता है, मगर अब इतने में पिनशोर को महसूस होता है कि यहाँ पे डेविल ब्लैक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मगर अब इतने में पास खड़ी मास्टर मून की बेटी उससे कहती है, मगर मुझे तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये सुनते ही पिनशोर उसे कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसी जमीन के नीचे ही डेविल ब्लैक खड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो लड़की ये सुनती है कि वो इस जमीन के अंदर है तो वो फौरन से उसको डेक करना शुरू कर देती है, मगर अब इतने में उसको पिनशोर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, यहाँ खोदने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायमंड डेविल ब्रिंगब्लड को सील किया गया है और वो भी बॉटम बॉम्ब बेल्स के अंदर, जब तक हम लोग उसके सील को रिमूव नहीं कर लेते तब तक हम लोग डायमंड डेविल ब्रिंगब्लड को हासिल नहीं कर सकते। यह सुनते ही लड़की काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, जिसके बाद पिनशोर उसे वापस से खड़ा करता है और उससे कहता है, फिलहाल तुम्हें ये ढूंढना होगा कि आखिर वो सील कहाँ पे है, जिसके बाद वो दोनों उस सील को ढूंढने लगते हैं, मगर अब तक उस लड़की को वो जगह नहीं मिलती जहाँ पे वो होती है। इसके बाद वो लड़की फौरन पिनशोर से कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मगर मुझे अभी तक वो सील नहीं मिली, जिसके बाद पिनशोर उससे कहता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस सील के ऊपर मौजूद है। अब ये सुनते ही वो लड़की फौरन से पिनशोर के पास आ जाती है, मगर अब इतने में वो फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही मूव हो पाते हैं। मगर कुछ ही देर के बाद वो लड़की पिनशोर से पूछती है, पिनशोर क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने सील को अनलॉक कर लिया है? ये सुनते हुए पिनशोर उससे कहता है, नहीं फिलहाल यह मेरे बस में नहीं है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो इस सील को खोल सकता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को कौन सा बंदा खोल पाता है। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले। थैंक यू।